भैया किचन में बर्तन पड़े हैं, उनको साफ करके पनीर की भुजिया बना लेना। जी भैया। अरे सुनो, ये बच्चा किसका है? ये मेरी बच्ची है। हाँ तो फिर इसको काम पर लेकर क्यों आई हो? वो घर पे कोई है नहीं ना इसका देखभाल करने के लिए, इसलिए अपने साथ रखती हूँ। अरे तो इसे साथ क्यों लेकर आई हो? अगर ऐसा था तो कल ही बताना चाहिए था जब काम मांगने आई थी। वो काम मिलने की खुशी इतनी थी ना, दिमाग से निकल गया बताना। अरे जाओ, इसे किसी को पकड़ा के आओ जब आगे काम करना। किसको पकड़ा के आऊं भैया, कहा ना इसका कोई है नहीं ख्याल रखने के लिए घर पे। अरे तो तुम फिर इसे यहाँ पर क्यों लेकर आई हो? कैसे करोगी घर का काम? वो सब मैं अच्छे से कर लूंगी, काम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अरे यहाँ इतना काम है, बर्तन धोने, कपड़े धोने, घर साफ करना है, पंखे साफ करने, इतना सारा काम कैसे करोगी तुम? भैया वो मुझे ना आदत है, जहाँ मैं पहले काम किया करती थी ना, वहाँ भी ये मेरे साथ होती थी और मैं सारा काम कर लेती थी। देखो ना भैया कितनी प्यारी बच्ची है, रोती भी बिल्कुल नहीं है। इसको पता है कि माँ को परेशान नहीं करना है, मैं सारा काम अच्छे से कर लूंगी, ये साइड में खेलती रहेगी। ठीक है जाओ काम कर लो, पर हाँ इसे इधर उधर मत बैठा देना, कहीं ये चीजें तोड़ दे। जी भैया। ये क्या किया तुमने? पहले दिन नुकसान कर दिया तूने। कहा था ना बच्चे को इधर उधर मत बैठाना। माफ कर देना साहब, इसको अभी साफ कर देती हूँ। क्या माफ कर देना? अगर पता होता ना इसकी बेटी है तो इसको काम पे नहीं रखते। साहब जो भी नुकसान हुआ आप मेरी तनख्वाह में से काट लेना ना। अरे पूरे महीने काम पर आएगी तब ना तेरे को सैलरी मिलेगी। अब चलो निकलो यहाँ से। एक प्लेट ही तो टूटी है, मैं इसकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। जाओ इसको लेके जाओ। लेकिन तुम्हें बोलते समझ नहीं आ रहा एक बार में? अरे आजकल की नौकरानी कोई क्वालिटी चाहिए क्या? ये नहीं कि बच्चा बच्चा संभाल अपना, घर में बैठे पति की तरह ना इन्हें भी काम करने जाना है। अब निकलो यहाँ से। मेरे पति मेरे साथ नहीं रहते हैं, उन्हें हमेशा से एक लड़का चाहिए था और फिर जब ये हुई तो वो उसे कोसने लग गए। फिर कुछ दिनों बाद पता चला कि वो किसी और के साथ सोने लग गए। थोड़े दिन बाद वो हम दोनों को छोड़ के भाग गया। अकेली माँ हूँ ना, इसलिए अकेला छोड़ नहीं सकती इसको, हमेशा साथ रखती हूँ। पहले जहाँ मैं काम किया करती थी ना, वहाँ भी उन्होंने मुझे इसलिए नौकरी से निकाला था क्योंकि मैं इसको अपने साथ लेके जाती थी। और कल मैंने आप लोगों को इसलिए नहीं बताया था क्योंकि मुझे डर था कि आप लोग मुझे काम पर नहीं रखोगे। अच्छा करो काम, तुम नहीं निकालेंगे तुम्हें। और हाँ टेंशन मत लेना, प्लेट के पैसे नहीं काटेंगे।